हाँ तो बॉस, आप लोगों ने बारबी वर्सेस ओपनहाइमर के क्लैश को एंजॉय किया, जिसमें दोनों मूवीज ही बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल साबित रही। देन डंकी वर्सेस सलार, देखा जाए तो इस बार भी दोनों मूवीज ब्लॉकबस्टर ही रही। लेकिन अब बारी है कुछ और बड़ी मूवीज की, जिनका क्लैश होने वाला है इस ईद पर। बड़े मियाँ छोटे मियाँ स्टारिंग टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार एंड पृथ्वीराज वर्सेज देवरा पार्ट 1 स्टारिंग जूनियर NTR, जानवी कपूर एंड सैफ अली खान, और इनके साथ मैदान स्टारिंग अजय देवगन। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा है। इससे पहले भी वो हमें बहुत ही अच्छी मूवीज दे चुके हैं, जैसा कि एक था टाइगर, सुल्तान, भारत। तो आप जानते ही हैं कि उनकी डायरेक्शन कैसे होती है। इस मूवी की कहानी होने वाली है एक रोबोट साइंटिस्ट के बारे में, जो कि पूरी दुनिया को जलाना चाहता है, और उसको रोकने के लिए दो साइंटिस्ट जन्म लेंगे। तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एक रोबोट साइंटिस्ट और आम इंसानों की फाइट। इस मूवी का बजट होने वाला है 350 करोड़, तो बजट की तो कोई कमी है नहीं, और एक्शन भर भर के देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूवी आती है देवरा पार्ट 1 स्टारिंग जूनियर NTR, जानवी कपूर एंड सैफ अली खान। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं कोडाटा शिवा, और उन्होंने ही इस मूवी को लिखा है। इस मूवी की कहानी होने वाली है कुछ गैंगस्टर या पारिस के बारे में, जिनको रोकेंगे अपने जूनियर NTR, और उनके अपोजिट में होंगे सैफ अली खान, जो कि इन सबको लीड कर रहे होंगे। इसमें एक फैंटेसी स्टोरी भी देखने को मिलेगी, जो कि है रेड सी के मुतालिक, मींस के लाल समंदर के बारे में। सुनने में तो आ रहा है कि इसके अंदर बहुत ही बड़े एक्शन सीन्स होने वाले हैं, जिसमें से मेन एक्शन सीन होगा जूनियर NTR और शार्क का। सुनने में भी काफी इंटरेस्टिंग और कूल लग रहा है, और कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए एक्साइटेड तो रहेंगे। ये भी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, और इसका बजट होने वाला है 300 करोड़। ऊपर से जैक स्नाइडर की तरह डार्क ड्रामेटिक है, तो मैं तो और भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। क्या तुम एक्साइटेड हो? सबसे आखिर पे आती है मैदान स्टारिंग अजय देवगन। ये एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अमित शर्मा। इस मूवी की कहानी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें दिखाया जाएगा 1952 से लेकर 1962 तक इंडियन फुटबॉल टीम को और उनके कोच की कहानी, उनकी अचीवमेंट्स, उनके फेलियर और उनकी स्ट्रगल, क्योंकि ऐसा ही होता है स्पोर्ट ड्रामा मूवीज के अंदर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है, तो मैं तो इन तीनों मूवीज के लिए एक्साइटेड हूँ, स्पेशली बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड देवरा पार्ट 1 के लिए, क्योंकि ये एक्शन एंटरटेनर होने वाली है। बाकी तुम अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि तुम किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।